हेलो हेलो गुड मॉर्निंग हेलो गुड मॉर्निंग वेलकम टू द प्रोग्राम हाउ टू ट्रांसलेट दिस इज डॉक्टर आर एस मौर्य गुड मॉर्निंग। तो आज हम आपको एक दूसरे वाक्य से रूबरू कराते हैं। दूसरा वाक्य है मजबूरी, ऐसे वाक्य जो मजबूरी बताते हैं, बाध्यता बताते हैं, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं कंपल्सन। तो सेंटेंसेस एक्सप्रेसिंग कंपल्सन को कैसे हम अनुवाद करते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। दोस्तों, ये वीडियो और ये प्रोग्राम इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। आप शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें, और ऐसा करने से ये प्रोग्राम ज़्यादा दिन तक चलेगा। अभी इसके बाद हम तुरंत ग्रामर में आने वाले हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूज़फुल प्रोग्राम होगा। तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आप चलते हैं कि सेंटेंसेस एक्सप्रेसिंग कंपल्सन, इसका मतलब होता है ऐसे वाक्य जो मजबूरी बताते हैं, जो बाध्यता बताते हैं, उनको हम कैसे अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं। तो लेट्स सी, जैसे इन वाक्यों को ले, जैसे मुझे रात दिन मेहनत करनी पड़ती है, मुझे रात दिन मेहनत करनी पड़ती है। तो रात दिन का मतलब कि हम मजबूर हैं रात दिन मेहनत करने के लिए। तो इसका ट्रांसलेशन होगा आई हैव टू वर्क हार्ड। हमको मेहनत करनी पड़ती है। राउंड द क्लॉक मतलब होता है 24 घंटे। तो आई हैव टू वर्क हार्ड राउंड द क्लॉक, हमको मेहनत करनी पड़ती है रात दिन। रात दिन की अंग्रेजी हम डे एंड नाइट भी कर सकते थे, बट इट्स बेटर टू राइट राउंड द क्लॉक। अच्छा एक्सप्रेशन है, आई हैव टू वर्क हार्ड राउंड द क्लॉक, हमको रात दिन मेहनत करनी पड़ती है। तो दोस्तों, इससे हमको मजबूरी का सेंस निकलता है, मजबूरी का अर्थ निकलता है। इसके बाद देखते हैं, तुम्हें यह आदत छोड़नी पड़ेगी। तो यू विल हैव टू गिव अप द हैबिट। तुम्हें यह आदत छोड़नी पड़ेगी। उसे लखनऊ जाना पड़ा। ही हैड टू गो टू लखनऊ। जादूगर को क्या बोलते हैं, मैजिशियन बोलते हैं, जगलर भी बोलते हैं, जगलर। तो मैजिशियन क्या करता है, जादू दिखलाता है। तो जगलर हैज़ टू शो द ट्रिक्स, ट्रिक मतलब होता है जादू। जगलर हैज़ टू शो ट्रिक्स और मैजिक, ऐसे भी कह सकते हो मैजिक। मुझे फल और दूध पर रहना पड़ता है, इसका क्या मतलब हुआ, मुझे फल और दूध पर रहना पड़ता है। इसका ये मतलब हो गया कि हम खाना नहीं खा रहे हैं और हम फल और दूध खाकर ही जिंदा हैं। तो इसकी अंग्रेजी होगी आई हैव टू लिव ऑन मिल्क एंड फ्रूट्स। और हम लोगों को प्रतिदिन व्यायाम करना पड़ता है, तो वी हैव टू टेक एक्सरसाइज डेली। तो ये जो है एक तरह का सेंटेंस स्ट्रक्चर हुआ, जिसमें हम देखते हैं कि कैसे। तो पहले हमने सब्जेक्ट रखा, फिर आप हैज़ हैव जो भी उचित है रख सकते हो, हैड भी रख सकते हो पास्ट टेंस है। तो और इन्फिनिटिव, जैसे इन्फिनिटिव क्या होता है, जैसे टू वर्क, टू गो, टू स्टार्ट, ऐसे करके टू प्लस वर्ब वी वर्ब। तो इस तरह से हम देखते हैं
अब दूसरे तरह का सेंटेंस देखिए, प्रत्येक 4 घंटे बाद तुम्हें दवाई खानी पड़ेगी। प्रत्येक 4 घंटे बाद तुम्हें दवाई खानी पड़ेगी। यू विल हैव टू टेक मेडिसिन एट एवरी 4 आवर्स। एट एवरी 4 आवर्स मतलब प्रत्येक 4 घंटे पर। यू हैव टू टेक मेडिसिन एट एवरी 4 आवर्स। एट एवरी 4 आवर्स। अब इन वाक्यों को देखो, जैसे अगर भविष्य काल में कोई बाध्यता होती है तो उसको हम मस्ट से भी हम उसको बनाते हैं। जैसे तुम्हें मेरी आज्ञा माननी पड़ेगी, तो यू मस्ट ओबे टू मी। यू मस्ट ओबे टू मी। कीर्ति को यह काम अवश्य करना पड़ेगा। कीर्ति मस्ट डू दिस वर्क। कीर्ति मस्ट डू दिस वर्क। तुम्हें घास काटना पड़ेगा। यू मस्ट कट द ग्रास या ट्रिम द ग्रास। घास काटना कई तरह से होता है, ट्रिम करना भी होता है, मो भी करना पड़ता है, काटना भी पड़ता है, कई उसकी है, आप जैसा कर रहे हैं। प्राचार्य से अवश्य मिलना चाहिए। उसे प्राचार्य से अवश्य मिलना चाहिए। तो ही मस्ट सी द प्रिंसिपल। ही मस्ट सी द प्रिंसिपल। सी मतलब होता है देखना नहीं, मीट मिलना भी होता है। ओ आई सी यू। तो यहाँ पर होता है आई सी यू का मतलब समझ गया, और ओ आई सी यू, और सी का मतलब होता है मिलना भी, सी का मतलब समझना भी होता है, सी का मतलब देखना भी होता है। तो कई सी का कई जगह प्रयोग होता है। आई सी, आई सी मतलब आई अंडरस्टैंड, और मिलना भी होता है आई हैव टू सी देम, मतलब हमको उनसे मिलना है। तो इस तरह का होता है। अब दूसरे तरह का सेंटेंस देखें, मुझे लेखक अवश्य होना चाहिए। मुझे लेखक अवश्य होना चाहिए। तो आई मस्ट बी अ राइटर। मुझे लेखक अवश्य होना चाहिए। आई मस्ट बी अ राइटर। गीता को पुलिस अधीक्षक होना चाहिए। पुलिस अधीक्षक को क्या कहते हैं? पुलिस अधीक्षक, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, दैट इज एसपी। तो गीता मस्ट बी एन एसपी। एसपी मतलब होता है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। और एक वह लड़की अवश्य ही निर्भीक होगी। ये फ्यूचर में है लेकिन इसको मस्ट से ही बनाएंगे। दैट गर्ल मस्ट बी फियरलेस। दैट गर्ल मस्ट बी फियरलेस। वह लड़की अवश्य ही निर्भीक होगी। निर्भीक का मतलब होता है फियरलेस। दैट गर्ल मस्ट बी फियरलेस। और एक है कि वह अवश्य ही नेत्रहीन होगा। वह अवश्य ही नेत्रहीन होगा का मतलब ही मस्ट बी ब्लाइंड। ही मस्ट बी ब्लाइंड। तो ऐसे करके भी हम बना सकते हैं ही मस्ट बी ब्लाइंड। और आगे भी बहुत से इंटरेस्टिंग ये है, तो हम देखते हैं कि क्या है। और इसका निगेटिव भी होता है, मस्ट होता है तो मस्ट नॉट भी होगा, कैन नॉट भी होगा। तो हम इसको देखते हैं कैसे बनाते हैं। कैन नॉट से देखते हैं, जैसे वह झूठ अवश्य नहीं बोलता होगा। तो अभी हम आपको टाइम टेंस में बताएंगे कि कैसे जो है वो फ्यूचर का हम लोग कैन से भी और प्रेजेंट से भी हम सेटल कर देते हैं। तो जैसे ये हुआ कि वह झूठ अवश्य नहीं बोला होगा, तो हम ये भी कह सकते हैं कि ही कैन नॉट टेल ए लाई। ही कैन नॉट टेल ए लाई। वो झूठ बोल नहीं सकता। तो दिस इज इक्वल टू दैट वन कि गा होगा,
फ्यूचर को हम कैन से भी लिख सकते हैं. ही कैन नॉट टेल ए लाई, ही कैन नॉट टेल ए लाई, ही कैन नॉट वेस्ट. अच्छा, दूसरा इसी तरह से बना सकते हो, तुम समय अवश्य बर्बाद नहीं, तुम्हें समय अवश्य बर्बाद नहीं करना होगा. तो ये भी आप बना सकते हैं, कैसे ही बनाइए इसे. यू कैन नॉट वेस्ट योर टाइम, यू कैन नॉट वेस्ट, तुम अपना समय बर्बाद नहीं कर सकते. तो इसको कैसे भी बना सकते हैं, इंस्टेड ऑफ शैल विल का प्रयोग करके कैसे भी बना सकते हैं. अब दूसरा देखिए, उसे पढ़ना नहीं पड़ता, तो उसे पढ़ना नहीं पड़ता, तो शी हैज़ नॉट टू रीड, शी हैज़ नॉट टू रीड. और इसको इसमें नीड नॉट का प्रयोग करते हैं, तो जैसे उसे काम नहीं करना पड़ता, ही नीड नॉट वर्क, ही नीड नॉट वर्क. तो उसकी हिंदी इस तरह से हो सकती है, उसे काम नहीं करना पड़ता, मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो काम करे. इसका मतलब यह होगा कि ज़रूरी नहीं है कि वो काम करे. तो ही नीड नॉट वर्क, यू नीड नॉट गो देयर. अगर हम कहें यू नीड नॉट गो देयर, इसका मतलब है कि आपको जाने की ज़रूरत नहीं है. यू नीड नॉट स्टडी, तो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. यू नीड नॉट हार्ड वर्क, यू नीड नॉट डू हार्ड वर्क, आपको ज़्यादा कठिन परिश्रम करने की भी ज़रूरत नहीं है. तो इस तरह का सेंटेंस होता है. नीड नॉट का मतलब कोई ज़रूरी नहीं है. जैसे उसे परीक्षा नहीं देनी पड़ती, तो इसका मतलब दे नीड नॉट अपीयर एट एग्जामिनेशन, दे नीड नॉट अपीयर एट एग्जामिनेशन. गीता को आंसू नहीं बहानी पड़ती, तो इसका गीता हैज से बनाई, गीता हैज नॉट टू शेड टीयर्स, मतलब होता बहाना, शेड मतलब बहाना. अब देखते हैं दूसरे तरह का सेंटेंस, जैसे लड़कियां नृत्य कर सकती हैं, गोइंग टू, ऐसे करके गर्ल्स आर गोइंग टू डांस, लड़कियां नृत्य कर सकती हैं, गर्ल्स आर गोइंग टू डांस. कीमतें ऊपर नीचे, कीमतें ऊपर नीचे घट बढ़ सकती हैं, ऐसा हो सकता है, ऐसे भी कहते हैं, कीमतें घट बढ़ सकती हैं. प्राइसेस आर गोइंग टू अप एंड डाउन, प्राइसेस आर गोइंग टू अप एंड डाउन. और ऐसे भी कर सकते हैं, घोड़े अवश्य तेज दौड़ सकते हैं, हॉर्सेस आर गोइंग टू रन फास्ट, हॉर्सेस आर गोइंग टू रन फास्ट. वे लोग स्वादिष्ट भोजन अवश्य कर सकते हैं, तो दे आर गोइंग टू हैव सम्चुअस फूड, सम्चुअस मतलब स्वादिष्ट भोजन, या होलसम फूड भी कह सकते हो, पूरा भरपूर खाना, या डेलिशस फूड, स्वादिष्ट, इसका डेलिशस का मतलब स्वादिष्ट होता है, सम्चुअस मतलब होता है भरपूर, होलसम मतलब होता है भरपूर. तो वे लोग स्वादिष्ट भोजन अवश्य कर सकते हैं, दे आर गोइंग टू हैव सम्चुअस फूड, या डेलिशस फूड, या होलसम फूड. अच्छा, परीक्षक परीक्षार्थियों को अवश्य अच्छे अंक दे सकते हैं, परीक्षक द एग्जामिनर इज गोइंग टू अवार्ड गुड मार्क्स टू द एग्जामिनीज, द एग्जामिनर इज गोइंग टू अवार्ड गुड मार्क्स टू द एग्जामिनीज. और वह करीब 30 साल, अच्छा अब दूसरे तरह का सेंटेंस देखें, वह करीब 30 साल का होगा, तो ही वुड बी अबाउट 30,
ही वुड बी अबाउट 30, वह 50 का होगा, ही वुड बी अबाउट 50। और इस तरह से हेमा धर्मेंद्र की पत्नी होगी, तो हेमा वुड बी द धर्मेंद्र वाइफ, हेमा वुड बी धर्मेंद्र वाइफ। और रिया उसकी साली होगी, रिया वुड बी हिज डॉटर इन लॉ, रिया वुड बी हिज डॉटर इन लॉ। तो इसको ऐसे भी बनाया जा सकता है, रिया वुड बी हिज डॉटर इन लॉ। अब देखते हैं दूसरे तरह का स्ट्रक्चर, जैसे ये ऐसे कहा जाए कि प्रधानमंत्री लौट गए होंगे, तो आप इसको ऐसे बना सकते हो, द प्राइम मिनिस्टर विल हैव रिटर्न, प्रधानमंत्री लौट गए होंगे, द प्राइम मिनिस्टर विल हैव रिटर्न। तो प्रधानमंत्री लौट गए होंगे को कई ढंग से बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो, द प्राइम मिनिस्टर मे हैव रिटर्न, द प्राइम मिनिस्टर मे हैव रिटर्न, द प्राइम मिनिस्टर कैन हैव रिटर्न। तो इसको आप ऐसे भी बना सकते हो, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप एक ही जैसे बना सकते हो, इसका भी मीनिंग वही निकलता है, द प्राइम मिनिस्टर विल हैव रिटर्न, द प्राइम मिनिस्टर मे हैव रिटर्न, और द प्राइम मिनिस्टर कैन हैव रिटर्न, लौट चुके हैं। अच्छा, अब हम चलते हैं एक दूसरा स्ट्रक्चर देखते हैं कि ये वह उन्नति कर गया होगा, उन्नति मतलब होता है प्रोग्रेस, तो इसको माइट से बनाते हैं, ही माइट हैव प्रॉस्पर्ड, प्रॉस्पर प्रॉस्पर मतलब होता है उन्नति करना, प्रॉस्पर ही माइट हैव प्रॉस्पर्ड। और वह फूल तोड़ चुका होगा, he might have plucked flowers, he might have plucked flowers। और ये क्या हो सकता है कि उसे सजा मिली होती, मिल चुका होता, सॉरी, he might have got punishment, he might have got punishment। तो इसको हम might have से बनाते हैं इस तरह के सेंटेंस को। और अब देखिए मस्ट के साथ हम परफेक्ट जोड़ते हैं, जैसे तुमने मेरा नाम अवश्य सुना होगा, तुमने मेरा नाम अवश्य सुना होगा, तो यू मस्ट हैव हर्ड माई नेम, यू मस्ट हैव हर्ड माई नेम, तुमने मेरा नाम अवश्य सुना होगा, तो यू मस्ट हैव हर्ड माई नेम। और जैसे एक और इसका उदाहरण देखते हैं, गीता ने इस काम को अवश्य किया होगा, उसी तरह से बनाइए, गीता मस्ट हैव डन दिस दैट वर्क, गीता मस्ट हैव डन दैट वर्क। और आपने उन्हें जरूर लिखा होगा, आपने उन्हें जरूर लिखा होगा, जरूर लिखा होगा, तो क्या लिखा होगा, तो पत्र ही लिखा होगा, यू मस्ट हैव रिटन टू हिम, यू मस्ट हैव रिटन टू हिम का मतलब हो गया यू मस्ट हैव रिटन ए लेटर टू हिम, इसका सीधे सीधे मतलब हो गया यू मस्ट हैव रिटन ए लेटर टू हिम। अब जो है एक और दो एक और देखते हैं, दो एक स्ट्रक्चर, अच्छे स्ट्रक्चर हैं, आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। तो वह पास नहीं कर सका, वह पास नहीं कर सकता, तो इसको सिंपल है, ही कैन नॉट पास, और वह पास नहीं भी कर सकता, ये वह पास नहीं कर सकता, तो ही कैन नॉट पास, ही कैन नॉट पास, और वह पास नहीं भी कर सकता, इसको बनाई ही माइट नॉट पास, ही माइट नॉट पास, माइट का प्रयोग कीजिए। जैसे
इट मे रेन टूडे, आज वर्षा हो सकती है। गीता माइट नॉट पास इन फर्स्ट डिवीजन, गीता फर्स्ट डिवीजन पास नहीं भी हो सकती है, ऐसे इसको कहा जाएगा, नहीं भी हो सकती है। तो इसको इस तरह से बनाया जा सकता है। और एक स्ट्रक्चर है कि वह डॉक्टर हो सकता है, तो ही मे बी ए डॉक्टर और ही माइट बी ए डॉक्टर, दोनों सही है, दोनों आप लिख सकते हो। वह डॉक्टर हो सकता है, तो अगर आप यह कहें कि वह डॉक्टर हो सकता है, वह डॉक्टर भी हो सकता है, तो दोनों करीब एक ही मतलब होता है। ही मे बी ए डॉक्टर या ही माइट बी ए डॉक्टर इज़ द सेम थिंग एंड यू कैन यूज़ विदाउट एनी प्रॉब्लम। और फिर इसके बाद है और वो जो है एक खलनायिका हो सकती है, तो सी या मे और माइट दोनों का प्रयोग है। सी मे बी ए वैम्प, वैम्प मतलब होता है खलनायिका, वी ए एम पी खलनायिका, विलेन, तो विलेन भी होता है और वैम्प जो है औरत के लिए आता है। सी में है, सी में भी ए वैम्प या सी माइट बी ए वैम्प। और रघु निर्दयी हो सकता है, तो रघु मे बी हार्टलेस, मे बी हार्टलेस या माइट बी हार्टलेस। और वह पवित्र नहीं हो सकती है, तो वह पवित्र पवित्र नहीं हो सकती है। सी माइट नॉट बी चैस्ट, चैस्ट सी एच ए एस टी ई, चैस्ट मतलब होता है पवित्र होना, स्पेशली यूज फॉर वीमेन। और जो चैस्ट मतलब होता है मतलब फिजिकली सी मे नॉट बी चैस्ट। और तुम धोखेबाज हो सकते हो, तो इसकी अंग्रेजी होगी यू मे बी अ चीट, यू मे बी अ चीट, चीट मतलब होता है धोखेबाज। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, और आप जो है इसको प्रमोट कीजिए, यू प्रमोट दिस प्रोग्राम बाय सब्सक्राइबिंग एंड गिविंग थम्स टू दिस प्रोग्राम। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।